दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माइंड डिस्प्ले। दोस्तों, आज हमारे पास है Realme का 3 स्मार्टफोन जिसमें पैटर्न लॉक लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे पैटर्न के रिलेटेड कि उनके Realme 3 जो स्मार्टफोन है इसमें पैटर्न लॉक लग गया है और कैसे उसको अनलॉक करें। और बहुत लोगों ने कहा कि बिना डेटा गवाए हुए हमें अपने फ़ोन का लॉक जो है अनलॉक करने के लिए बताइए। तो आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा पहले की वीडियो में और आप हमेशा मेरे वीडियो पे अच्छे खासे प्यार बरकरार रखते हैं। तो मैंने आपके कमेंट को जो है यहाँ पे देखते हुए एक वीडियो बनाने के लिए सोचा है। देखिए, वीडियो में बहुत ही गौर से देखिएगा और एंड तक वीडियो को देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम नए नए वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पैटर्न लॉक लगा हुआ है। इसका पैटर्न लॉक ऐसे मैंने लगाया था L, है ना, तो L यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो किस तरीके से इसको आज हम बाईपास करेंगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने Realme 3 स्मार्टफोन को अनलॉक कर सकते हैं। और ये वीडियो सिर्फ पैटर्न लॉक वाले के लिए है, पासवर्ड या पिन वाले के लिए नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस मेथड को ट्राई करते हैं तो काम नहीं करेगा। ट्राई करके देखना चाहते हो तो देख लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से काम नहीं करेगा। और नॉलेज लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप हमारा वीडियो देख सकते हैं क्योंकि नॉलेज जो है हमेशा काम आती है। ओके, चलिए अपनी वीडियो को हम फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर देखिए, हर फ़ोन को अनलॉक करने के लिए आपको बाईपास करना होता है इमरजेंसी कॉल से। इमरजेंसी कॉल आप समझते होंगे कि ये सिर्फ इमरजेंसी कॉल के लिए होता है, लेकिन नहीं, इमरजेंसी कॉल में बहुत सारे हिडन फीचर जो है छिपे होते हैं अनलॉक मिरेकल से रिलेटेड। तो उसके लिए इसी प्रोसेस को यूज किया जाता है। सबसे पहले इसको हम बाईपास कर लेते हैं। हर फ़ोन का हर बार बाईपासिंग कोड जो है अलग अलग होता है और ये कोड आपको इंटरनेट पर मौजूद है, आप देख सकते हैं वहाँ पर। फिर भी आप कोड आप लिख लीजिए, *086959#, ये कोड बार बार बदलता रहता है, मैं आपको बता देता हूँ। आप जब भी ट्राई कीजिएगा लिस्ट निकाल दीजिएगा इंटरनेट से। लिस्ट निकालने के बाद जब एक कोड डला गया बाईपास का तो दोबारा ये कोड काम नहीं करता। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से ओके करना है। आपको कुछ यहाँ पे इस टाइप का मैसेज देखेगा, फ़ोन हमारा जो है बाईपास हो चुका है। लेकिन बाईपास होने से ये नहीं कि आपका फ़ोन जो है अनलॉक हो गया है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। बाईपास का ये मतलब नहीं कि आपका फ़ोन अनलॉक हो गया। ओके, दूसरा यहाँ पे ट्रिक जो है, यहाँ पे आपको सबसे पहले इस फ़ोन को इंजीनियर मोड में जाना होगा Realme UI के थ्रू। उसके लिए ये कोड यहाँ पे *089 और उसके बाद है, ये एक ही कोड है। एक ही कोड से आप इंजीनियर मोड में जाके इसको आप मिरेकल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप देख लीजिए मिरेकल बॉक्स से किस तरीके से आप इसको अनलॉक करेंगे। इस पूरे प्रोसेस में आपके फ़ोन का कोई भी डेटा यहाँ पे मिस नहीं होगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। और ये बात ध्यान में रखिए कि हमारे कोई भी वीडियो कट वट करके हम नहीं बनाते, एडिटिंग करके नहीं बनाते। जो भी है आपके सामने प्रूफ है, यहाँ पे सब चीज़ यहाँ पे मैं लाइव करके दिखाऊंगा आपको। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे स्टेप को आप फॉलो कीजिए। ओके, यहाँ पे देखिए, चेक IMI इन्फो से आप अपने फ़ोन का IMI चेक कर सकते हैं। बैक कवर, कलर, आफ्टर सेल सर्विस कोलेब्रेशन, ऑटोमेटिक टेस्ट भी यहाँ से आप कर सकते हैं। GPS का प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, लेकिन हमें ये सब नहीं करना है क्योंकि इन सब से हमारा काम जो है बनने वाला नहीं। हमारा काम बनने वाला है मैनुअल टेस्ट से। एक्चुअली ये जो है मैनुअल टेस्ट के लिए काम में लाया जाता है, लेकिन इसके लास्ट में जो एक ऑप्शन होता है ना, ये कंपनी वाले ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग से किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू है, ये कंपनी वाले ही देते हैं की स्टेटस ऑप्शन। व्हाट इज की स्टेटस? की स्टेटस एक तरीके का ये ऑप्शन होता है जिससे आप अपने फ़ोन के सीरियल नंबर से मिला के आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा। उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे आपको देख लेना है कि आपका मेन बोर्ड वर्जन जो है 1.1 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए ना ही ज़्यादा होना चाहिए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपको करना ये है कि आपको की स्टेटस पे क्लिक करना है, जिससे आपका फ़ोन जो है विद इन 2 सेकेंड में आपका फ़ोन
कम्प्लीटली अनलॉक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, कम्प्लीटली आपका फ़ोन 2 सेकेंड में अनलॉक हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को एक बार प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर शेयर नहीं करना है तो यार सब्सक्राइब ही कर सकते हो। सब्सक्राइब करने से दोस्तों बहुत एनर्जी मिलती है नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए, ये जो ऑप्शन होता है ना, इससे कॉल रिकॉर्डिंग भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली मुझे इसके बारे में पता नहीं है, तो हम इस ऑप्शन में जाने से हमें कोई फ़ायदा भी मुझे नहीं लगता है। देखिए, अब हमें जाना है कहाँ पे, की स्टेटस पे। मेन बोर्ड वर्जन 1.1 होना चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। की स्टेटस पे हमें यहाँ पे चले जाना है, की स्टेटस पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम चल जाते हैं यहाँ पे, की स्टेटस पे क्लिक करते हैं। ये देखिए, की स्टेटस पे जाने के बाद मैसेज क्या आ रहा है, जो भी की, जो भी सिक्योरिटी की ये है, यहाँ पे हमारा रिमूव हो चुका है परमानेंटली। जी हाँ दोस्तों, वन टाइम नहीं, ये आपका परमानेंटली आपके फ़ोन से रिमूव हो चुका है। आपको कुछ भी यहाँ पे करने की अब ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने, अभी यहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ऑप्शन में भी आपका अगर पासवर्ड आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इस ऑप्शन में भी अगर आपका पासवर्ड आ रहा है तो आपका ये ट्रिक काम नहीं करेगा। आपको सर्विस सेंटर में ही जाके दिखाना होगा। अगर इस टाइप का मैसेज आ गया तो आपका फ़ोन समझिए 100% खुल गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। अब इस ऑप्शन में आपको बैक कर लेना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखा आपने, बैक कर लिया मैंने, फिर से आपको इस ऑप्शन में बैक चले आना है। अब यहाँ पे आप मेन जो है डिस्प्ले, मेन जो है ऑप्शन में यहाँ पे आप आ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको ये लाइव करके दिखा रहा हूँ, कहीं से कोई वीडियो कटिंग फटिंग नहीं है। अब जैसे मैं इस ऑप्शन से बैक करूँगा ना, आपका फ़ोन अनलॉक किया हुआ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका फ़ोन अनलॉक किया हुआ मिलेगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डेटा, जो भी ऐप हमने इंस्टॉल कर रखे हैं, फ़ोटोज़ गैलरी में सारे सेव मौजूद होंगे। अब हम यहाँ से देखिए, यहाँ से इस तरीके से बैक किया मैंने, हमारा फ़ोन खुल गया। लाइव मैंने किया है, किसी को किसी से छुपा के नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। ये देखिए, लाइव मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, हमारे फ़ोन में जो भी डेटा, जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी सारे चीज़ यहाँ पे मौजूद है, सारे चीज़ आप देख सकते हैं, जो भी ऐप, सब चीज़ यहाँ पे हमारे सामने मौजूद है। मैं ये देखिए फिर से मैं लॉक करके दिखाता हूँ, कोई छुपी बात नहीं है, मैं कुछ छुपा के ये सब काम नहीं कर रहा हूँ, सब लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ। विश्वास नहीं होता, फिर से लॉक करके मैं दिखा दूँ, चलिए फिर से मैं लॉक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अनलॉक हो गया ना। तो यहाँ पे कोई छुपाने वाली बात नहीं है, अगर ट्रिक जो आप यूज करते हो अगर उसको प्रॉपर करोगे ना तो वो आपका काम करेगा, प्रॉपर नहीं करोगे तो फिर नहीं काम करेगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काइंडली आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी हम नए नए वीडियो अपलोड करें, रियलमी की वीडियो हमेशा डालते हैं, तो आपके पास पहुंच जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।